ये चटपटे काजू आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले, क्योंकि ये है बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी टी टाइम स्नैक की रेसिपी। मसाला कैश्यूज हम बनाएंगे, मसाला काजू, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो आप भी इसको अपने घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। हेल्दी टी टाइम स्नैक की रेसिपी है, जिसको कि जब भी आपका मन करे कभी भी आप खा सकते हैं, ट्रेवलिंग में भी इसको ले जा सकते हैं। तो आप इसको सिर्फ 5 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही चटपटे बनते हैं, मजे के बनते हैं, और बच्चे बड़े सभी इसको बेहद चाव से खाएंगे, और बहुत आसानी के साथ सस्ते में आप इसको घर में बना पाएंगे। क्योंकि मार्केट से जब भी हम काजू लाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं। तो घर में बहुत आसानी के साथ बढ़िया से काजू बना लीजिए और मजे से आप इसको खा सकते हैं चाय या कॉफी के साथ। कैसे बनाना है आइए रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई हैवी बॉटम की आपको लेनी है कढ़ाई। आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले ले, और इसमें डालना है आपको देसी घी। मैंने यहाँ पर काजू को फ्राई करने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया है। लगभग 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है, देसी घी लिया है। देसी घी को मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर लिया और तुरंत ही मैंने इसमें काजू डाल दिए। अब मैंने तो दोस्तों यहाँ पर लिए लगभग 1/2 किलो के करीब काजू, क्योंकि मैं जा रही हूँ घूमने के लिए नैनीताल। तो मैंने सोचा कि ये जो स्नैक है ना बेस्ट रहेगा ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि हेल्दी भी रहेगा, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, चटपटा भी रहेगा, स्पाइसी भी रहेगा, और बच्चे बड़े सभी इसको खा पाएंगे। अब आपके घर में जैसा भी स्पाइसेस पसंद करते हो, कम या ज्यादा, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। पर मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ, कितने स्पाइसेस इसमें ऐड करूंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसको लो मीडियम फ्लेम पर आप धीमे धीमे भूनते रहिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर इसको हाई फ्लेम पर आप भूनेंगे ना, तो क्या होगा, जल्दी से कलर तो आ जाएगा, फिर आपको खाने में उतना मजा नहीं आएगा। तो बहुत कम घी में ही हम इसको भून रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपको इसको ना बहुत ज्यादा घी डालकर डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा घी डालिए और इसको आराम आराम से ना आप भूनते रहिए। तो बस मजे से बाद में इसको खाइएगा। थोड़ा सा बस इस तरह से कर लीजिए इसको, लगभग 4 से 5 मिनट इसको भून लीजिए, और इतने में ही आप देखिएगा कि आपके काजुओं में कलर आ जाएगा। बिल्कुल धीमी आंच में भूनिएगा, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, इसलिए क्योंकि काजू में कलर बहुत जल्दी आता है और जलते भी बहुत जल्दी है। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, तो बहुत जल्दी इनमें कलर आकर ये जल जाएंगे। तो स्पाइसी मसाला काजू हम बना रहे हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं इसमें कलर आना शुरू हो गया है। तो बस इसको 2 मिनट हम और फ्राई करेंगे और तुरंत ही इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए काजुओं में कलर आ गया है, और अगर आपको इनका कलर थोड़ा लाइट लग रहा हो ना, तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। काजू के अंदर क्या होता है कि कैरी ओवर कुकिंग चलती है, यानी कि जब आप इसको फ्राई करके बाहर निकाल लेते हैं ना, तब भी जो उसके अंदर की हीट होती है, जब काजू गर्म होते हैं, तो अपने आप ही उनमें थोड़ा कलर बाद में और आता है फ्राई होने के बाद। इसलिए आप इनको हल्का कलर देने के बाद ही तुरंत बाहर निकाल लीजिएगा, और फिर आप देखिए का जादू थोड़ी देर बाद इनमें बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाएगा। ये देखिए आपका घी बच गया है, और बचे हुए घी में आप कोई भी सब्जी या दाल अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। अब इन काजू को किसी भी बड़े से बर्तन में डाल दीजिए, ताकि हम इनमें मसाले मिला पाएं। तो मसालों में हमें क्या डालना है, सबसे पहले तो जाएगा नमक। तो यहाँ पर हम दोनों तरह के नमक का इस्तेमाल करेंगे, सफेद नमक भी इसमें ऐड करेंगे और काला नमक भी ऐड करेंगे। कितना नमक ऐड करना है, मैंने यहाँ पर लिए है 1/2 किलो काजू, तो मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ। आप जितने भी काजू लें, अगर आप मुट्ठी भर काजू लेकर भी बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। तो कम ज्यादा रेसिपी रखना, क्वांटिटी रखना बिल्कुल आपके हाथ में है। तो मैं इसमें ऐड करूंगी लगभग 1/2 टीस्पून के करीब सफेद नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही होगा, और बहुत ज्यादा अगर नमक हो जाता है ना, तब भी ये काजू नहीं अच्छे लगते हैं। 1/2 छोटी चम्मच मैंने काला नमक भी डाला है, काले नमक का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा ना खट्टा चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और वो है काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर ताजा पिसा हुआ मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसका जो एक तीखापन होता है ना, इसका जो एक पंच होता है ना, बहुत अच्छा लगता है मसाला काजू में, कैश्यूज में। और ये देखिए 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। मैंने यहाँ पर देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है, जिससे इन काजुओं का कलर बहुत अच्छा होता है आ जाता है, और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब अमचूर पाउडर और ऐड किया है, बढ़िया सी खटास के लिए। तो इन सारे मसालों को आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए एक बार। और दोस्तों, जब ये हमारे जो काजू है ना, जब इनको फ्राई करके हम निकालते हैं, तो तुरंत ही हमें इसमें मसाले मिलाने होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब काजू गर्म होते हैं, तो तुरंत जब आप इसमें मसाले मिलाएंगे, तभी ये सारे मसाले अच्छे से चिप
चिपक पाएंगे काजुओं पर। अगर काजू पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद अगर आप चाहेंगे मसाले मिला दें और ये अच्छे से चिपक जाए तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको मसाले सारे के सारे गर्म में ही मिलाने हैं। तो देखिए ये मसाले बहुत अच्छे से चिपक चुके हैं काजुओं पर, तो हमारे यहाँ पर मसालेदार कैश्यूज बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसको टी टाइम स्नैक के फॉर्म में खा सकते हैं या फिर इसको ट्रैवलिंग में आप ले जाइए, बहुत ही अच्छी हेल्दी ऑप्शन है और आपका जो मन है वो भी आपका भरेगा अगर आप कुछ हेल्दी खाएंगे, चटपटा खाएंगे तो, और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो हमने इनको डीप फ्राई भी नहीं किया है, शैलो फ्राई किया है, बहुत ही हेल्दी टेस्टी बने हैं। अब आप इसको भरकर किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं, किसी भी एयरटाइट बॉक्स में भरकर पूरे 1 मंथ तक स्टोर करके आराम से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ट्राई जरूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।